नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायत राज LDC भर्ती 2013 की। यहाँ दोस्तों अशोक जी वैष्णव का जो संदेश है वो यहाँ पे बताएंगे। 10,029 पर पदों पर 100% होगी नियुक्ति। यहाँ दोस्तों ये कहना है अशोक जी वैष्णव का। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सम्मानित साथियों, पंचायत राज भर्ती 2013 को लेकर संघर्ष कर रहे मेरे सभी साथियों को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। दोस्तों, पंचायती राज भर्ती LDC भर्ती 2013 को लेकर लगातार माननीय विधायक महोदय रामलाल जी मीणा के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी अपन सभी साथियों ने मिलजुल कर जो अथक प्रयास किया उसमें राजस्थान के लगभग 17-18 विधायकों से अपन ने अपनी भर्ती करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम डिजायर करवाई, वो भी आपका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा। आज रामलाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने तो समय मांगा और अपनी भर्ती को लेकर गणेश जी गोगरा है, खुद MLA रामलाल जी है, लक्ष्मण जी मीणा है, 5-7 विधायक गण का एक साथ एक पूरी टीम बनाई रामलाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का आज प्रयास किया। बट आज उन्होंने समय नहीं दिया, विधानसभा थी, विधानसभा में खुल के बात नहीं हो पाती है। तो माननीय रामलाल जी ने कल वापस सुबह का टाइम लिया है और ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके हम 5-7 MLA एक साथ मिले और मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कह दे कि भाई उक्त भर्ती तो आपको किसी भी हाल में करनी होगी, ऐसा रामलाल जी का कहना। और वो कह रहे हैं कि अपन इस भर्ती को मैं किसी भी हालत में करवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, मेरी सरकार है, अगर उसके खिलाफ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन ये ऐसी नौबत आएगी नहीं। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अपन करेंगे, पूर्ण रूपेण मेरे को विश्वास दिलाया है कि अपने को इस भर्ती को करना है और बहुत जल्दी करेंगे। इतने दिन राजनीतिक उठापटक के कारण हो सकता है नहीं कर पाए हो, ऐसा रामलाल जी ने कहा है और नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझे पूर्ण आश्वस्त किया है कि इस भर्ती को करेंगे और मैं इस भर्ती को पूरा करवा के रहूंगा। लगातार अन्य साथियों से मेरा आग्रह है कि जिनसे अपन दबाव बना सके मुख्यमंत्री जी पर वो भी बनवाए। सबसे जो मजबूत जो स्तंभ हो सकते हैं साबित हो, जोधपुर की टीम हो सकती है जो करी रही प्रयास। इसके अलावा मेरा नागौर से भी विशेष रूप से रूपाराम जी और पूरी टीम से मेरा आग्रह है कि प्लीज यार महेंद्र जी चौधरी से आपके निजी संबंध है, वो ताल्लुकातों को अब अपने को अपने भविष्य में उनको काम में ले तो ज्यादा बेटर होगा। आप लोग भी जयपुर अगर पधारे तो जयपुर आवे, क्योंकि लगभग शुक्रवार तक सारे MLA यहीं जयपुर ही रहेंगे, तो कैसे भी करके अपने इन MLA पे दबाव बना के CM तक अपनी बात पहुंचाए। मैं पुनः उन साथियों को और निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक डिजाइड नहीं करवाई, उनसे भी निवेदन है कि प्लीज प्लीज अपने अपने MLA की डिजाइड तो करवाएं। रामलाल जी ने कहा कि अब देखो 17-18 MLA ने डिजाइड करी है, 7-8 MLA मेरे साथ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तैयार हुए, तो क्यों नहीं ऐसा माहौल बना कि 50-60 MLA मुख्यमंत्री जी से एक साथ एक ही मंच में हम लोग कहे कि आज के आज इसके ऑर्डर निकालो, तो हर हाल में वो ऑर्डर होंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। ट्विटर में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा अभियान चलाया जिसमें सरकार का जो वो पीरियड था जब सारे विधायक होटल में थे तो चर्चा होती रहती थी दिन भर के, देखो इन्होंने ट्विटर अभियान चला रखा है और ये लोग अपनी मांग को लेकर कितने सजग है। तो दोस्तों सभी तरीके के अपने प्रयास सामूहिक करने पड़ेंगे, निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने MLA जिनसे डिजाइन नहीं करा पाए प्लीज जल्दी से जल्दी डिजाइन कराए और उनसे दबाव बनाने का प्रयास करें। और प्लीज रूप जी मेरा रिक्वेस्ट आज जोड़ के महेंद्र जी चौधरी पर किसी भी हालत में वो कहिए कि अभी आप हमारे साथ चल के मुख्यमंत्री जी को हमारी भर्ती स्टार्ट करने की बात कही है, ये काम हो जाएगा निश्चित रूप से, तो अपने सबका भविष्य बन जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे अशोक जी वैष्णव जिन्होंने आपको पंचायत राज LDC भर्ती 2013 की शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ पर संपूर्ण जो है वार्ता यहाँ पर बताई। रामलाल जी मीणा पूर्ण रूप से अपने साथ हैं 10,029 पदों पर भर्ती करवाने को लेकर। सभी साथी अपने अपने जो स्थानीय MLA हैं उनसे इस भर्ती को लेकर डिजायर करवाएं। साथ ही यहाँ पर कल मैं बता दूं CM अशोक जी गहलोत से मिलने का समय मिला है रामलाल जी मीणा को। पंचायत राज LDC भर्ती 2013 को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। लगभग 10 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने रामलाल जी को आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। साथ ही लगभग 20 MLA की डिजाइन हो चुकी है। बाकी के भी मेरे साथियों से गुजारिश रहेगी कि अपने अपने क्षेत्रीय MLA हैं उनसे
डिजायर लिखवाएं अपनी पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।